शिल्पा जी सबसे बताइए। पहले ये जो गैंग बनी थी, अचानक से गैंग टूट क्यों गई? क्योंकि गैंग झूठ बना बोल के बनाई थी, झूठ गैंग थी। और गैंग के पहले जो मुझे नाम दिए संकेत, सिद्धार्थ सागर, पारितोष, सुगंधा, उपासना जी, और मैं बहुत खुश थी। और मैं सच बता रही हूँ, सुनील जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। मैं चढ़ाने के लिए मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, हम सबको पता है सुनील जी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन जब वो करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को काम करना होता है, उन्हीं को कॉमेडी आती है, बाकी किसी को नहीं आती। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई उसमें, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ मेरी पहली कमिटमेंट, जबकि वो उनके अच्छे फैमिली रिलेशन है सुनील जी के साथ, नहीं। प्रीति सिमोन के, मेरी नहीं। पहली शर्त थी कि मैं सुनील जी के साथ नहीं कर सकती। अगर कुछ कॉमेडी, मुझे आप कॉमेडी में ले रहे हो तो नहीं, सुनील जी तो है ही नहीं। और मुझे ये सारी स्टारकास्ट बताई थी, तो मैंने कहा कि मजा आएगा, कर लेते हैं चलो। और 3 महीने का ही शो है, नॉन फिक्शन है, और ना ही 1 घंटे का आया था बोला था, ना डेली, मतलब बहुत सारी चीजें झूठ बोली थी। और प्रमो शूट करते ही पता चला मैंने, और उसके बाद मुझे बाहर से पता चला हरी जी के सुनील जी शो में है। मैंने पूछा तो बोले आपके साथ उनका पोर्शन नहीं है। मैंने कहा देखो उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी या ऐसा नहीं है, लेकिन अगर काम करना है, हम लोगों में भी थोड़ा बहुत टैलेंट है, हमें करने दो। तो सुनील जी आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का अलग है, उनका अलग है। चीजें देखती रही देखती रही। और मैंने आज इसलिए बोला कि बाद में बोलेंगे तभी क्यों नहीं बोला, है ना। सही बात। अब वही होता है कि सब बोल नहीं पाते। मैं नहीं कह रही कि सबको जरूरत है, आज आर्टिस्टों ने घर पे बैठ के भी कमाया है, घर पे भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करके पैसे कमाए हैं। ऐसे नहीं कि सभी को जरूरत है जिसका ये प्रोड्यूसर्स फायदा उठा रहे, बट बहुत रॉन्ग चीजें हो रही है। और जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो मेरा है भाई, मैं अभी पहले ही समंदर में कूद ही गई हूँ, तो डुबकियां ले रही हूँ, तो चलो और एक डुबकी लगाते हैं। तो पहले आपको मेंशन किया किया गया था, मतलब क्या बताया गया था कि आपका ऐसा ऐसा होगा, फिर सडनली मतलब चेंज हो गया, मतलब अचानक से? हाँ, क्योंकि सुनील जी कंप्लीट गैग में उतर आए। सुनील जी पहले तो बैठे हैं, मैंने कहा लोग पहले हम पे हंसेंगे कि आप सुनील जी को हंसा रहे हो। कॉमेडी तो दूर की बात, पहले तो लोग हम पे इस पे हंसेंगे कि शर्म आनी चाहिए, आप सुनील जी को हंसा रहे हो, सुनील ग्रोवर को आप हंसा रहे हो, सुनील ग्रोवर बैठे हैं, तो लोग तो ऑब्वियसली डेफिनेटली सुनील जी को भी देखना चाहेंगे। लेकिन उनका अलग से कर लो आप शूट, जैसे हमें बताया था। उसके बाद सुनील जी, सारी स्क्रिप्ट चेंज हो गई, सारे स्क्रिप्ट चेंज हो गई। और मेरे पास स्क्रिप्ट है कि ये कैरेक्टर ये कर रहा है, ये कैरेक्टर ये कर रहा है, और लास्ट मोमेंट नहीं, आप ये कैरेक्टर कर नहीं रहे हो। पारितोष को बोल दिया आप ये कैरेक्टर नहीं कर रहे हो, सुनील जी कर रहे हैं। सिद्धार्थ सागर को बोल दिया आप ये कैरेक्टर नहीं कर रहे हो। मुझे तो, मैं तो वैसे भी स्क्रिप्ट में नहीं थी, मैं अपने आप को ढूंढ रही थी। अगर मेरी मेरी फैंस मुझे यहाँ वहां जरा भी देखेंगे तो वो भी मेरी इम्प्रोवाइजेशन है। मतलब इस तरह से काम तो नहीं होता, इस तरह से झूठ बोल के। मैं उस जगह के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कपिल शर्मा की जगह पे हूँ या मैं सुनील ग्रोवर की जगह पे हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी एक जगह बनाने के लिए बहुत सारे मुसीबतें झेली है। उसके बाद में यहाँ, अच्छा अगर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बुरी एक्ट्रेस हूँ, मुझे क्या काम देंगे ये, मुझे सिर्फ दिखने के लिए ले रहे, ऐसा भी नहीं है। तो आप झूठ मत बोलो। अभी अभी क्या बात हुई है, जब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है तो अब उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है या आपकी तरफ से क्या कहना है उनके लिए? देखो अभी मेरा मेरा ये पहले तो ये था कि मैं इस चीज को चैनल तक, बिकॉज कोविड की वजह से चैनल का बंदा या कोई कोई भी सेट पे नहीं है, मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मेरी ये थी बात कि चैनल तक ये बात पहुंचे, अगर चैनल इस चीज से अनअवेयर है। क्योंकि 7 की शिफ्ट को हम आके हम लोग 11 साढ़े 11, एक बार तो 1:30 2 बजे पैकअप हुआ, तो एक तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। उसके बाद सेट पे 50-50% एतराज, मतलब अपना केयर की जा रही थी, बस दिखावे के लिए वो केयर थी, बाकी एक्चुअली सैनिटाइज वगैरह उस तरीके से सेट को नहीं किया जा रहा था। मुझे काफी बड़े लेवल पे जुकाम हुआ था, अभी ग्रेस ऑफ गॉड में ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी मे बी इम्यूनिटी अच्छी हो इसीलिए मैं ठीक हूँ, बट सर दर्द और जुकाम, मेरे मेरे साथ बॉय था उसको भी बहुत
वो तो उसको तो फीवर था, तो इस तरीके से चीजें हुई थी। उसके बाद मेरी इस बात करने के बाद इन्होंने सेट पे सैनिटाइज दो दो बार करना शुरू किया है, मैंने सुना। थोड़ा स्टाफ कम कर दिया इन्होंने काफी पहले, सिर्फ प्रमो, जो चैनल के प्रमो हमने शूट किए थे तो कम लोग थे, उसके बाद बहुत लोग आ गए। और आई डोंट नो, जब सुनील जी का गैग लिखना शुरू हुआ तो तीन तीन चार चार राइटर आ गए, हमारी तो स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं है, हमें बोला जाता था। तो इस ऐसे माहौल में नहीं काम हो सकता। और जब जिस तरीके से, अच्छा अभी भी मैंने रिसेंटली देखा कि आप हर चीज को डिनाई कर रहे हो मेरे, एटलीस्ट एक चीज तो डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कर लो कि यस स्क्रिप्ट पे थोड़ी चेंजेस हुए हैं, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। शिल्पा इज सेइंग शी इज लाइंग, शी इज लाइंग, शी इज लाइंग। सेट पे आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब टीचर टीचर सुसु करने जाए, रुको रुको तुम्हारा सीन है क्या, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है जाओ क्या फटाफट आ जाओ, और हम भागते गए। मैंने कहा मैं ये क्या कर रही हूँ, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, क्यों किस लिए, अच्छा काम तो है नहीं। 5 पेज के बाद एक लाइन आ गई, और वो एक लाइन में भी कुछ इम्प्रोवाइज करो तो कान में बोलते थे इम्प्रोवाइज मत करो प्लीज, बाकी क्या इंसान की लाइन जा रही है। अरे हम प्रॉप, मैं पागल हूँ क्या? तो तो कहीं ना मैंने कहीं आपको लगता है कि डोमिनेट था, मतलब उनका कहीं ना कहीं हर चीज पर वो हावी थे, सुनील जी की यहाँ पर ऐसा होगा ऐसा होगा, उनकी हर तरफ से हो चीज रहा था। हर चीज हर चीज हर चीज हर चीज हर चीज हम लोग स्क्रिप्ट के लिए बैठे हैं, स्क्रिप्ट आ रही है, स्क्रिप्ट आ रही है। कॉमेडी करना कोई खाने का काम है, इस माहौल में लोगों को हंसाना कोई खाने का काम है, हम लोग स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं और सुनील जी वहां अपनी स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि उस सीन में सुनील जी है। और उसके बाद हमको कान में बोला जाएगा आप ये डायलॉग बोल दो, ये कहाँ का रिवाज है भाई, ये कहाँ से, ये कौन सी एक्टिंग है, ये नहीं होता ना, ये गलत है ना। तो फाइनली अपने फैंस क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत वेट कर रहे थे लंबे समय बाद, अचानक से गैंग भी टूट गया और दूसरी बात इस तरह से टूटा है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आई थिंक हर एक के जॉब में, हर एक के हर एक के वर्किंग प्लेस पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को समझो और डेफिनेटली कुछ अच्छा है। मैं अच्छी चीज एक मैं खुद मैंने वही काम मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी चीज के हम लोग लेके आए, एक मैसेज टाइप, तो मैं करके दिखाऊंगी इन लोगों को काम। और मेरे फैंस के लिए ही मैं ये शो कर रही थी एक्चुअली, और मुझे लगा कि मैं आज मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा हो जाएगा, मैं 4 चीजें मैं खुद बोलती हूँ तो मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं इंटायर यूनिट का सोच रही हूँ, बाकी के आर्टिस्ट का सोच रही हूँ। आज मैं तो निकल गई तो ऑब्वियसली वो लोग भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे यूज करना था कर लिया। मेरा नाम शिल्पा शिंदे बैग, शिल्पा शिंदे इस बैग बैग बैग, मेरी बैग दिखाई और मुझे बैग में खड़ा किया। हाँ, और जितना फुटेज उनको खाना था उन्होंने खा लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चैनल ने उनको 1 घंटे का कॉमेडी का डेली ऑन एयर आने वाला शो कैसे दिया विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी स्क्रिप्ट। ये चैनल के क्रिएटिव को सोचना चाहिए, और पहले इनकी सोच कहाँ जाती है मुझे समझ में नहीं आता। और सारी चीजें वन साइडेड, चालू सीन में हम लोगों से एग्रीमेंट में 1-3 पेपर ऐड करके उसके ऊपर तुम घाई घाई में सिग्नेचर ले लेते हो, हम लोगों को सिग्नेचर, हम लोगों को कॉपी दे ही नहीं रहे। मुझे कोर्ट में बताया था कि आप लोग काम करते वक्त सारी चीजें मान जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 1-to-1 साइन होता है, ये मैंने साइन की, ये प्रोड्यूसर जो हमारे इंडस्ट्री में होता ही नहीं है, क्योंकि सबको काम की पड़ी है, सबको काम की जरूरत है ना। तो यार सॉरी है, मेरे तो यहाँ पे कोई खाने पीने के वांदे है नहीं, और मुझे इन लोगों के साथ इस तरीके से मैं तो काम नहीं कर तो सकती। अभी किस तरह का रिएक्शन, अभी मान लीजिए उनकी तरफ से आपकी बातें मान ली जाए, तो क्या वापस आपका नहीं, आप जा उनको सकते? शर्म आनी चाहिए मेरे पास आते आने से पहले पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए मुझे अप्रोच कर, उनको जरूरत ही नहीं है। इट्स अ सुनील ग्रोवर शो, तभी तो कहा नाम दे दो द सुनील ग्रोवर शो, मैं आती हूँ चलो, कि हाँ, मुझे पहले से पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस शो में काम आना। एग्जैक्टली
यस, आपने झूठ बोला है, झूठ के बेसिस पे मैं काम नहीं कर सकती। और सिंपल है, मुझे भी ये जुकाम और ये सब हुआ था, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप 1-1.5 महीना तो बिल्कुल काम मत करना कोई भी ऐसे जगह पे जाकर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सो इम्पॉसिबल। और मुझे देखेंगे लोग कि मैं कहीं जाके काम नहीं कर रही हूँ, अगर उनको किसी को लगता है कि जैसे पहले वाले मेरे प्रोड्यूसर्स ने बोल दिया था मैं यहाँ जा रही हूँ मैं वहां जा रही हूँ, नहीं मैं कोई काम नहीं कर सकती। थैंक ओके शिल्पा जी, थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए, थैंक्स अ लॉट, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स, बाय।